everyone and welcome to One Academy. My name is Smriti and I am your science educator on this channel. Welcome to this channel and I hope you have subscribed this channel already. So this is my little introduction. You know about me. I've done my master's from Jamia Hamdard and my bachelor's from Delhi University. I have 4 plus experience for 6 to 12 classes and now I am here in front of you and I'm ready to clear all your doubts. Okay, so let's see. आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर हीट फॉर ऑल द क्लास 7 स्टूडेंट्स. ठीक है, सो यस, हम वी हैव डन चैप्टर नंबर 1, वी हैव डन चैप्टर नंबर 2, वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 3, सो नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर हीट. ऑल अबाउट हीट, जो भी रिलेशन है आपका हॉटनेस कोल्डनेस रिलेटेड, जितना भी हो सकता है, विल कवर दिस इन दिस चैप्टर. ठीक है, लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है क्या नहीं. And हम पढ़ेंगे what is actually hotness and coldness. Then we'll study the types of thermometers we use in day-to-day life or you can say in lab, right? Transfer of heat, we'll see different modes of transfer of heat. कैसे heat पहले तो transfer होती है and then we'll see different kinds of modes related to it. ठीक है? Okay. Next thing is your types of clothes that we wear during summer season and winter season. That is your last topic, don't worry about that. But the main thing is types of thermometer and the transfer of heat in this chapter. ठीक है, so we'll focus on these topics, don't worry about that. जो भी है आपको clear हो जाएगा इस one session में ही, इस पूरे chapter के लिए. ठीक है, so be ready and be attentive. Okay, so पहला है आपका hotness and coldness. What do you understand by hotness and coldness? When we say कि this thing is hot and this thing is cold, हम कैसे बोलते हैं उसे कि ये चीज़ हॉट है ये कोल्ड है. नाउ वन ऑफ द थिंग्स आर कि वी कैन फील दैट, वी कैन टच इट एंड वी कैन से दैट येस दिस इज़ हॉट, दिस इज़ लिटिल माइल्ड एंड दिस इज़ वेरी कोल्ड. ठीक है, हम ऐसे करते हैं. कई बार हमारे दांतों में भी फील होता है व्हेन वी ईट आइसक्रीम एंड वी से ओ इट्स वेरी कोल्ड. ठीक है, एंड जब हम हॉट कॉफ़ी पीते हैं एंड वी से कि बहुत गर्म है. Like, जब भी हम सिप लेते हैं वी से बहुत बहुत गुड है एंड फूक मारते हैं हम उसके ऊपर ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए. वो इसीलिए होता है बिकॉज वी नो द लेवल ऑफ हॉटनेस, वी नो द लेवल कि कितना उसका हीट है. राइट, सो व्हेन एवर यू आर टेकिंग अ सिप फ्रॉम द कॉफी कप, हम हमेशा यही देखते हैं, हम उसको हल्का हल्का लेते हैं बिकॉज वो काफ़ी गर्म होती है. ठीक है, सो यस, वन थिंग इज सेंसेशन. हमें हीट कैसे पता चलती है? बाय फीलिंग इट. ओके, so heat is a form of energy which makes the substance quite hot and in winters it is our common experience that we feel cold inside the house and if we come out in the front of sun rays we feel quite warm. Okay, so we already know that there are two kinds of opposite seasons. One is your summer season and the other one is your winter season, right? And we all know that summer season mein itni garmi hoti hai, this time itni garmi ho rahi hai, right? So garmi ki wajah se hi we wear different kinds of clothes ताकि हमें उतनी हीट मिले जितनी अभी रिक्वायरमेंट है. और अभी इस टाइम पे फिलहाल रूम टेम्परेचर जो आपका चल रहा है, व्हाट इज़ रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर से मेरा मतलब ये है कि रूम जिसमें आप अभी बैठे हुए हो और जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, उसका टेम्परेचर अभी क्या है, दैट इज़ अ रूम टेम्परेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा टेम्परेचर कितना होगा, मेरा टेम्परेचर है अभी अराउंड, लेट मी सी, इट्स अराउंड ओके अराउंड 27-25 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो लेट्स सी कि अगर मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है अभी रूम टेम्परेचर, सो आई विल से कि रूम का टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो द थिंग वाज कि आपको पता है कि समर सीजन में इतनी सनरेज आती है, इतनी इंटेंसिटी के साथ आती है कि इतनी गर्मी लगती है हमें, राइट? एंड जब ठंडियाँ पड़ती है तो हम जब भी धूप सेकते हैं सर्दियों में तो हमें इतना अच्छा लगता है. और अभी अगर कोई बोले धूप सेक लो तो हमें कितना अजीब लगेगा, है ना? हमें लगेगा इतनी गर्मी हो रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है ऑलरेडी, कौन धूप सेकेगा इस टाइम पे, क्या बोल रहे हो तुम, राइट? पर अगर सर्दियों में कोई बोले कि गो टू यू नो अंडर द सन एंड थोड़ा सा विटामिन डी लेके आओ एंड वहीं पढ़ाई करो, थोड़ा सा खेलो कूदो, बिकॉज विंटर सीजन में वी नीड वॉर्म, हमें वॉर्म और हॉट रेज चाहिए होती है सो दैट हम अपनी बॉडी को गर्म कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी इतना लो टेम्परेचर होता है आसपास कि उस टाइम सन की रेज हमें बहुत अच्छी लगती है, है ना? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटनेस एंड कोल्डनेस. लेट्स सी, अब द थिंग इज हमने बोला कि चीजें तो हम फील करके पहचान लेते हैं कि हॉट है या वो कोल्ड है. द थिंग इज जब आप फील करते हो किसी चीज को
तब आपको फटाफट पता चल जाता है कि ये चीज़ काफ़ी हॉट है, ये चीज़ काफ़ी गर्म है, या ये बहुत ठंडा है। लाइक किसी चीज़ में आइस डली हुई होगी, यू विल से कि काफ़ी ठंडा है, काफ़ी चिल्ड है। और अगर किसी चीज़ में लाइक काफ़ी हॉट कॉफ़ी, काफ़ी हॉट टी या हॉट मिल्क होगा आपका, सो यू विल सी टच करते यू विल फील द हॉटनेस ऑफ इट, राइट। तो ऐसे ही हमें फील करके चीज़ें पता चल जाती है कि हॉटनेस कितना है, कोल्डनेस कितना है। बट वी कैन नॉट ऑलवेज फील इट विद आवर फिंगर्स, या कहीं से भी हम फीट से या अपने हाथ से हमेशा फील नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ अवर हैंड्स एंड लेग्स एवरी टाइम। कोई भी चीज़ दे दोगे और मैं हाथ घुसा के देखूँ और फिर बोलूँ हाँ भाई ठंडा गर्म है, हर टाइम तो नहीं कर सकते। अब कोई चीज़ उबल रही होगी, मैं हाथ गर्म कर हाथ डाल के थोड़ी देखूंगी वो कितना उबल रहा है या कितना गर्म हो गया। हर टाइम मैं ऐसा चीज़ें फील करके नहीं देख सकती कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है। सो एट दैट टाइम यू विल यूज़ अ थर्मोमीटर, यू विल यूज़ अ थर्मोमीटर। ना थर्मो हेयर मीन्स हीट, ऑब्वियसली हीट के लिए यूज़ करा जा रहा है, मेजरमेंट हीट के लिए हो रही है, राइट, टू मेजर। तो इसका मतलब क्या होता है, थर्मो का मीनिंग ही हीट होता है, मीटर मीन्स जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, हम कहते हैं मीटर। तो थर्मोमीटर बेसिकली हीट की मेजरमेंट होती है, कितना डिग्री सेल्सियस है। आपने कई बार अपने मुंह से भी बहुत बार बोला होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सो व्हाट आर दीज, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द हीट। लेट मी शो यू अनदर वर्ड इज टू मेजर द टेम्परेचर। अनदर वर्ड फॉर द हीट इज टेम्परेचर। ना वो कोल्ड हो टेम्परेचर या उसका हॉट हो, उसके लिए एक ही वर्ड है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर गर्म है, ज्यादा है टेम्परेचर या कम है, ठीक है। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स वो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स वो ठंडा है, ठीक है। ओके, सो आपको तो पता है कि दुनिया में कितनी सारी प्लेसेस हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, और सबका टेम्परेचर एक जैसा है नहीं, राइट। इफ़ आई से कि इंडिया में अभी गर्मी हो रही है नॉर्थ रीजन में, सो आई विल बी सेइंग कि ठीक है यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, राइट। ओके, अगर मैं बोलूँ कैनेडा या कहीं और चले जाऊँ जहाँ पर काफ़ी ठंडी प्लेसेस होती है, इनफैक्ट माइनस में तक होती है, सो यू विल से कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। ओके, सो फाइनली हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं कि कैसे मेजर कर रही हूँ मैं कि ठंडा है गर्म है, फील करके देख रही हूँ कि हाँ भाई हाथ से पता चल रहा है ये ठंडा है गर्म है, नहीं, वे यूजिंग अ थर्मोमीटर, वे यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, राइट, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो थर्मोमीटर की अगर मैं बात करूँ, यू मस्ट हैव सीन वन थर्मोमीटर इन योर लाइफ, एक तो देखा ही होगा, कभी ना कभी मेजरमेंट तो करी होगी, डॉक्टर ने की होगी, आपने करी होगी, कभी भी जब बुखार होता है वी ऑलवेज मूव टू अ थर्मोमीटर, हमें जो थर्मोमीटर मुंह में लगा लेते हैं और कह देते हैं हाँ भाई हमें 100 डिग्री बुखार हो गया, अब रेस्ट की बारी है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन द टेम्परेचर इज अ मेजरेबल एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एंड इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट, दे आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर इट टू एक्सप्रेस इट, ठीक है। सो टेम्परेचर एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव सेल्सियस, वी हैव केल्विन, वी हैव फ़ारेनहाइट, राइट। सो वी हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर द टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर की यूनिट्स है और अलग अलग यूनिट्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ना सबसे कॉमन कौन सी है, ना अगर मैं बोलूँ कि वेदर हमारा डिग्री सेल्सियस में आता है, लाइक 25 डिग्री सेल्सियस है, अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं फॉर द वेदर, ठीक है, मोस्टली वो वेदर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। इफ आई टॉक अबाउट बुखार आ रहा है 100 डिग्री, 110 डिग्री, अब ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो इतने में तो पानी बॉयल हो जाता है ना। तो यस, रिमेंबर द यूनिट्स, वैल्यू चेंज होती है यूनिट्स के साथ, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 1 kg और 1000 ग्राम में फर्क है ना वैल्यू में। अब ये बड़ी यूनिट है किलोग्राम, तो यहाँ पर सिर्फ 1 वैल्यू लग गया, और यहाँ पर एक छोटी यूनिट, तो यहाँ पर 1000 लगा हुआ है, तो वैल्यू यूनिट के साथ चेंज होती है, बट दैट डजेंट मीन कि उसका मतलब सेम नहीं है। 1 किलो और 1000 ग्राम एक ही होगा, है ना, 1 किलो बोलो या उसको 1000 ग्राम बोलो, इट विल बी द सेम अमाउंट, सेम ही होगी, बट यू आर यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, तो वैल्यू आगे से अलग लग रही है, ठीक है। सो यस, 1 किलोग्राम एंड 1000 ग्राम्स आर एब्सोल्युटली सेम, द वैल्यू इज सेम, एक्चुअली द अमाउंट इज सेम, बट हियर वी कैन सी देयर आर टू डिफरेंट यूनिट्स एक्सप्रेसिंग द सेम अमाउंट, ठीक है। ओके, सो यस, एक क्वांटिटी के लिए वी कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स, एंड ऐसे ही टेम्परेचर के लिए वी हैव डिफरेंट यूनिट्स। एज यू कैन सी टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस भी है, वी हैव केल्विन
and we also have your Fahrenheit. Now, the thing is, जब आप 100 डिग्री बोलते हो ना, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो होता है आपका फेरनहाइट. तब हम कहते हैं भाई 98 डिग्री फेरनहाइट से ऊपर हो गया, अब तो बुखार हो रहा है, 101, 102, 103. That is in फेरनहाइट, वो फेरनहाइट में होता है. When you say इसी चीज को अगर आप बोलोगे तो 38 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, और केल्विन में कुछ और वैल्यू होगी. तो हर यूनिट में चीज सेम है बट वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द यूनिट, ठीक है. ओके, सो ये तो हमारा हो गया कि बुखार कैसे मेजर करते हैं वो सब है, बट दे आर डिफरेंट यूनिट जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है. सेल्सियस हाईलाइट कर रखा है, केल्विन हाईलाइट कर रखा है, आपका फेरनहाइट मैंने हाईलाइट कर रखा है. दीज आर थ्री बेसिक यूनिट्स ऑफ योर टेम्परेचर. आप कोई भी यूज कर सकते हो. इनफैक्ट अगर मैं आपको एक यूनिट में आंसर बताती हूँ तो आप दूसरे यूनिट में उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप मेट्रिक सिस्टम में करते हैं, ठीक है. ओके, सो इट इज यूज टू इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर विच हैज अ स्केल मार्क्ड ऑन इट विच इज यूज टू रेड द टेम्परेचर. दैट इज स्केल हमेशा होगा, कोई भी टाइप का थर्मोमीटर हो. आपने आजकल देखा ही होगा, हम सबको पता है कि वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडमिक एंड अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स देखने को मिले हैं. आई विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी. सो हम सबको पता है कि थर्मोमीटर्स के अलग अलग रेंजेस होंगे, अलग अलग थर्मोमीटर्स की अलग अलग रेंज होगी, ठीक है. लेट्स सी क्या क्या है. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स. बेसिकली दो तरीके के थर्मोमीटर्स आपको दिखेंगे डे टू डे लाइफ में. पहला है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है आपका लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर. जैसे लैब वाला थर्मोमीटर है और एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर. दो तरीके के आपको थर्मोमीटर सबसे ज्यादा जो कॉमन है दुनिया में वो दो तरीके के. ओके, सो क्लिनिकल थर्मोमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ. क्लिनिकल थर्मोमीटर से आपका क्या मतलब है और लैब वाले थर्मोमीटर से क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है इन दोनों में. अगर ये इतने इंपॉर्टेंट है तो डिफरेंस बेसिकली क्या है, ठीक है. गिव मी अ मिनट. Okay, let me show you. Clinical thermometers. Okay, let me show this clinical thermometer जो मेरे पास है. Although now we are using digital thermometers, but ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है. And ये शो कितना कर रहा है? It's around 36 point something. Room temperature के हिसाब से mercury level आपका नीचे आ चुका है. So let me show you this. I think you can see this. ठीक है, this is a clinical thermometer. ये जो हमारे घरों में present होता है, ये doctors के पास होता है mostly. तो this is your clinical thermometer. इसे हम कहते हैं clinical thermometer. Okay? This is pretty different than your lab thermometer. Lab thermometer से अगर मैं compare करूँ, काफ़ी different है ये. But जो हम सबसे ज़्यादा जो use करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे हाथों में रहता है, जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है, that is your clinical thermometer. Okay? So इसके बारे में मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. मैं पहले आपको बता देती हूँ व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो व्हेन आई से क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, दे आर मेंट फॉर द क्लिनिकल पर्पसेस ओनली, ठीक है. जब भी मैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की बात करूंगी वो मेडिकल या क्लिनिकल पर्पसेस के लिए ही यूज करा जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल आपको बुखार आ रहा है, सो फीवर चेक करने के लिए एंड बेसिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स ही यूज करेंगे. इट इज डेवलप फॉर मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी. वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि ह्यूमन बॉडी को मेजर कर सके, ठीक है. इट इज लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, जैसे आप देख सकते हो, इट इज क्वाइट लॉन्ग एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. ग्लास ट्यूब है बाहर, ठीक है, एंड इट हैज अ रेंज, इट हैज अ पर्टिकुलर रेंज इन इट, ठीक है. ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा कि 100 डिग्री पे जा रहा है. इट हैज रेंज अप टू 35 से शुरू है मेरा एंड 42 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है. सो एज यू कैन सी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक है ये थर्मोमीटर्स एंड सारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स इसी रेंज के होते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए डिजाइन करा गया है. इसलिए आपकी बॉडी जहां तक टेम्परेचर ले सकती है वहीं तक रेंज रखी गई है. अब 100 डिग्री लेके क्या करोगे? 42 तक इट्स ओके, बट 100 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है. आपकी बॉडी तो बॉइल हो जाएगी पूरी, है ना. तो 100 डिग्री इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं था. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का एक पर्टिकुलर रेंज होता है जो कि मैं आपको शो करती हूँ. ये है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में आपको दिखेगा. 35 डिग्री सेल्सियस से आपको 42 की रेंज दिखेगी, थोड़ा आसपास रहता है, ठीक है. इसकी रेंज ये है
एंड आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? जब आपको कोई फीवर या कोई भी आप वायरस बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर रही होती बॉडी, तो आपकी बॉडी किस टेम्परेचर में होती है? दैट नॉर्मल टेम्परेचर इज योर 37 डिग्री सेल्सियस. आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड इट विद ग्रीन हाईलाइटर. 37 डिग्री सेल्सियस इज योर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, सो विच कैन फ्लक्चुएट बिटवीन द 35 एंड 40. इट कैन गो डाउन ऑल्सो, इट कैन गो अप ऑल्सो. सो इसलिए रेंज थोड़ी आसपास रखी है ताकि हम मेजर कर सके. एंड रिमेंबर, अगर आप 100 डिग्री बोल रहे हो, दैट इज नॉट इन डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन फ़ारेनहाइट. ठीक है, जैसे कि यहाँ कन्वर्ट कर रखा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन. जैसे कि यहाँ 38 है, मान लो मेरा टेम्परेचर थोड़ा 38 चला गया, 37 जो नॉर्मल होता है उसकी जगह 1 डिग्री और ऊपर हो गया, एंड इट इज शोइंग 38 डिग्री सेल्सियस. मान लेते हैं मेरा बॉडी का टेम्परेचर अभी 38 डिग्री सेल्सियस है. नाउ आई वॉन्ट टू नो कि फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी. तो मैं क्या करूंगी, डिग्री सेल्सियस को यहाँ लिखूंगी, 9/5 करूंगी, एंड देन आई विल ऐड 32 इन इट. तो ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में वैल्यू. यू कैन से 100 फ़ारेनहाइट, नो नीड टू से 100.4. तो बेसिकली 100 डिग्री जो है आपका, 100 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस. अब आप देखो वैल्यू में कितना फर्क है, एक 38 है एक 100 डिग्री है, बट यूनिट्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ 100 डिग्री बुखार हो गया, दैट इज एक्चुअली इन फ़ारेनहाइट, नॉट इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. पर उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर में, दिस इज योर बेसिकली योर क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, मेरे पास सारे थर्मोमीटर्स नहीं है देन, वरना मैं आपको दिखा देती पक्का, बट यस आई डू हैव अ क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मैंने आपको शो कर दिया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को है क्या. ओके, सो एज यू कैन सी थर्मोमीटर अगर आपके घर में भी होगा आप वहाँ भी चेक कर सकते हो. सो थर्मोमीटर में यू विल सी कि जहाँ से आप मेजर करते हो, बेसिकली जो भी चीज़ है आपकी बॉडी का, जो भी टेम्परेचर है वो आप मेजर करते हो, इस थिन ग्लास का जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है उसी को हम टंग के नीचे रखते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या है, हम टंग के नीचे रखते हैं उसको, पहले वॉश करते हैं, फिर थोड़ा सा जर्क भी ऐसे देते हैं, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल में सेट हो जाए, और फिर हम उसको लगाते हैं, है ना. सो यस, ओके, नाउ यू कैन सी ये ग्लास का बना हुआ है पूरा, एंड दिस अ बोर्ड थिक ग्लास. टेम्परेचर मेजरमेंट्स आपको दिख रही है यहाँ पर. यहाँ पर एक किंक होगा, आई विल टेल यू ये किंक क्यों है. ये किंक इसलिए है क्योंकि जो लिक्विड है आपका, मर्क्यूरी लिक्विड जो भरा पड़ा हुआ है, वो नीचे ना गिर जाए, बिल्कुल लो एकदम से नीचे ना आ जाए, कि जैसे आपने बॉडी से हटाया और उसका टेम्परेचर फटाफट नीचे आ गया, रूम के हिसाब से आने लग जाएगा आपका टेम्परेचर, आपने यहाँ से हटा दिया थर्मोमीटर, तो जैसे ही आपका जो भी रूम का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से वो आने लग जाएगा. तो हम नहीं चाहते मर्कुरी का लेवल फटाफट से नीचे आ जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो मेरे को दिखेगा कैसे कि कितना टेम्परेचर था, अगर वो फटाफट नीचे आ गया तो. जो मर्कुरी का लेवल है जो ऊपर नीचे होता है आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ, जितना गर्म उतना ऊपर जाता है मर्कुरी, जितना ठंडा होगा उतना नीचे जाएगा, राइट. तो मर्कुरी लेवल मैं नहीं चाहती हूँ फटाफट नीचे आ जाए जैसे ही मैं अपनी बॉडी से हटाऊँ, इसलिए किंक दे रखा होता है ताकि वो इतनी जल्दी नीचे ना आ पाए ग्रेविटी के हिसाब से. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी आगे कि एक्चुअली ये जो मर्कुरी लिक्विड है वो है क्या. सो द लिक्विड दैट इज यूज इन द थर्मोमीटर इज योर मर्कुरी. नाउ बेसिकली ये जो आपको क्लियर लिक्विड दिख रहा है ये एक्चुअली आपका मर्कुरी है. ये जो अंदर दिख रहा है आपको लिक्विड जो ऊपर नीचे होता है वो मर्कुरी मेटल है आपका. ठीक है, सो बेसिकली हमने मर्कुरी यूज़ क्यों किया एंड वाई नॉट वाटर और एनीथिंग एल्स, कोई और लिक्विड क्यों नहीं लिया हमने, अगर हमें ऊपर नीचे ही करना था सो हमने मर्कुरी ही क्यों लिया. ओके, सो मर्कुरी हमने दो रीजंस की वजह से लिया है, एक तो विजिबल है, दूसरा वो काफ़ी थर्मल एक्सपेंशन दिखाता है, मतलब हीट के साथ वो ऊपर नीचे होता है. ठीक है, सो ठीक है मैम इससे क्या फर्क पड़ता है, पानी भी तो ऊपर नीचे हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, बट होगा क्या ना कि जैसे ही आप ठंडे इलाके में ले जाओगे पानी को फ्रोज हो जाएगा, और जैसे ही आप किसी गर्म जगह ले जाओगे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट कि फ्रीज हो जाए या बॉयल हो जाए. वी वांट कि थर्मल एक्सपेंशन चाहे कोई भी टेम्परेचर हो वो सिर्फ ऊपर नीचे हो और अपनी स्टेट सेम रखे. वी ऑल नो देयर थ्री काइंड्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. हम नहीं चाहते कि मर्क्यूरी अपना स्टेट चेंज कर ले, गैस में बदल जाए या लिक्विड में बदल जाए. ठीक है, हम नहीं चाहते ये सब, राइट. सो वी वॉन्ट समथिंग, एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो थर्मल एक्सपेंशन तो शो करे, हीट के साथ एक्सपैंड और नीचे आ सके, बट वी ऑल्सो वॉन्ट कि वो अपना स्टेट चेंज ना करे.
ठीक है, वो लिक्विड ही रहे, ठीक है. सो यस, मर्क्यूरी इज यूज बिकॉज इट रिमेन्स लिक्विड थ्रू आउट वेरियस टेम्परेचर्स एज अपोज टू वाटर विच फ्रीजेस इन कोल्डर टेम्परेचर, एंड मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स आर ऑल्सो डिजाइन टू विदस्टैंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स एज वेल. तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स को इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर भी झेल लेते हैं और फ्रीजिंग टेम्परेचर भी झेल लेते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. और ये है आपका मर्क्यूरी, वैसे इट इज अ क्लियर लिक्विड, डोंट वरी अबाउट दैट, बट ये सिल्वरिश भी फॉर्म में होता है, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं दूसरे तरीके के थर्मोमीटर के बारे में बात करनी थी हमने, दैट इज योर लैब वाला थर्मोमीटर. ओके, सो लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर आपका कुछ मेरे पास है नहीं अभी. इट इज क्वाइट लॉन्ग, काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है. अब द रीजन इज ये लैब में यूज होना है. अगर इफ आई हैव, लेट मी शो यू, लाइक इफ आई हैव दिस सोल्यूशन, दिस समथिंग अननोन, ठीक है, फील करके नहीं बता सकते. अगर पानी होता तो मैं फील कर लेती, बट अननोन सोल्यूशन, मेरे को नहीं पता क्या है, तो मैं फील नहीं कर सकती, ठीक है सर. ओके, तो मेरे को थर्मोमीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी टेम्परेचर नोट करने के लिए सोल्यूशन का. अब मैम ने बोला इसका टेम्परेचर नोट करके दिखाओ, तो मैंने लैब में हूँ मैं, ठीक है, मैं लैब में हूँ, आई एम नॉट एट होम. मैं बॉडी का टेम्परेचर नहीं नोट कर रही, मैं किसी सोल्यूशन का नोट कर रही हूँ. कोई वाटर का साथ सोल्यूशन बना हुआ है, मान लो चीनी घोल रखी है, कुछ भी है, ठीक है, आपने उसको हल्का गर्म कर रखा है, मान लेते हैं. अब मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी लैब का थर्मोमीटर. मैं लैब वाला थर्मोमीटर यूज करूंगी जो कि काफी लंबा होता है, काफी लंबा होता है, उसका रेंज भी काफी लंबा होता है. सिंस ये बॉडी टेम्परेचर नहीं नाप रहा, तो मेरे को रेंज भी काफी चाहिए होगी. अगर मान लो मैं बर्फ का पानी नोट कर रही हूं, तो मेरे को माइनस में चाहिए टेम्परेचर. अगर मान लो कि मैं बहुत गर्म पानी नोट कर रही हूँ 100 डिग्री वाला, तो क्योंकि पानी बॉयल 100 डिग्री में होता है, उससे ऊपर भी टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. जहाँ पर आपका सोल्यूशन, कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और जहाँ पर मेल्ट होना शुरू होता है कोई सॉलिड, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो वी वॉन्ट अ रेंज जो कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग दोनों में जा सके, उसे हम कहेंगे लैब का थर्मोमीटर. इट इज नॉट डिजाइन फॉर योर बॉडी का थर्मोमीटर, रिमेंबर दिस. लैब के थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर के लिए नहीं यूज कर सकते, इसीलिए एक अलग थर्मोमीटर बनाया जाता है, ठीक है. अगर आप लैब का थर्मोमीटर यूज करने की कोशिश भी करोगे, तो उसका मर्क्यूरी में कोई किंक नहीं होता, ठीक है, कोई ऐसे मोड़ के नहीं रखा होता किंक नीचे, ताकि वो नीचे ना जा सके. फुल ऑन मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है लैब थर्मोमीटर्स में, ठीक है, जैसे आप हटाओगे वो ऊपर नीचे होने लग जाता है. तो रिमेंबर दिस, ठीक है, इसमें थोड़ा जल्दी ऊपर नीचे होता है मर्क्यूरी का लेवल. क्लिनिकल वाले में थोड़ा सा देरी के बाद मर्क्यूरी लेवल नीचे आता है. तभी आपने नोटिस भी किया होगा कि जो चीज आपकी है, ये जो आपका था, ये जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसको नीचे लाने के लिए समटाइम्स यू डू लाइक दिस. ऐसा क्यों करते हैं हम, जर्क तभी देते हैं क्योंकि ये बहुत देर में नीचे आता है, ठीक है. बट लैब वाले थर्मोमीटर्स ऐसे नहीं होते आपके, ठीक है. लैब वाले थर्मोमीटर्स काफी लंबे होते हैं आपके, एंड इनकी रेंज भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, फ्रॉम -10 to 110 degrees Celsius, डिपेंडिंग ऑन ये कौन सा लैब वाला, कौन सा लैब का थर्मोमीटर है, 200 डिग्री तक भी जाता है, ठीक है. दिस इज हाउ इट लुक्स. लैब का जो थर्मोमीटर है सेम बल्ब है, ठीक है, ग्लास से ही बना है, रेंज काफी लंबी है, एंड थिन बोर ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, एंड मर्क्यूरी भी इसके अंदर होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के तरफ, ठीक है. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स. आजकल थर्मोमीटर्स काफी ज्यादा है, ठीक है. सो यस, आजकल क्या है कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हमें बहुत सारे दिखते हैं, स्पेशली पायरोमीटर वाला थर्मोमीटर. नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पायरो वाला मीटर? पायरोमीटर थर्मोमीटर्स वो थर्मोमीटर जो आजकल अगर आप कहीं पर भी एंटर होते हो, किसी भी इमरजेंसी के लिए, इफ़ यू वांट टू बाय ग्रोसरीज और एनीथिंग जो हमें अलाउड है आजकल, सो सबसे पहले पायरोमीटर आपके सामने आ जाता है कि फर्स्ट यू हैव टू चेक द बॉडी टेम्परेचर किसी भी पर्सन का जो भी एंटर हो रहा है शॉप के अंदर है, कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी चीज़ है, सबसे पहले उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है. वो बिना इसके, अगर ये डिजिटल हो या ये मर्क्यूरी का हो, दैट डजंट मीन. आजकल डिजिटल वाले आते थर्मोमीटर्स, व्हाई,
होता क्या है ना, इस वाले में अगर ये ब्रेक हो जाए, अगर ये टूट जाए गलती से भी, तो जो मर्कुरी अगर बाहर आ जाएगा तो इट इज क्वाइट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, मर्कुरी काफी ज्यादा हार्मफुल होता है. मर्कुरी इज अ हार्मफुल केमिकल. तो वी डोंट वॉन्ट कि किसी बच्चे का या कोई भी एक्सपोजर में आए, तो इसीलिए इतना ओपन थर्मोमीटर्स बनाने बंद कर दिए गए थे. डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए थे जिसमें होता तो यूज मर्कुरी है बट काफी क्लोज हो रखा होता है और आपको डिजिटली बताता है वो 100 है, 200 है या 50 डिग्री है या जो भी है, लाइक डिजिटली बताता है वो. तो इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर्स आए थे ताकि आपका एक्सपोजर ना हो पाए मर्कुरी में अगर कोई ब्रेकेज होती है अंदर तो. ठीक है, अच्छा अब आपको पता होगा अगर आप किसी के भी शॉप के अंदर जाओगे, अब ये अगर वो हर किसी के मुंह में डालेंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो इजिली इधर पर्सन टू पर्सन डिजीज चली जाएगी, राइट. सो वी डोंट वांट दैट. वी डोंट वांट कि कोई भी चीज़ टच हो, कोई भी टच हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट टच हो. ठीक है, अगर वो टच होगा तो उसका क्लीन करना, कितना उसे क्लीन रखेंगे, कब वो सैनिटाइज होगा, फिर उसको हम दूसरे पे यूज़ करेंगे. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. सो वी वॉन्ट समथिंग जो टच ना करे बॉडी को बट स्टिल वो टेम्परेचर नोट करके बता दे. वी वॉन्ट दैट. ठीक है, सो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो दूर से ही बॉडी टेम्परेचर नोट कर ले और डिजिटली नोट करे. ठीक है, सो और बिना टच करे. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पायरोमीटर. तो पायरोमीटर क्या होता है, वो ऐसे लगाते हैं आपके, बिल्कुल दूर से ऐसे लगाते हैं एंड फटाफट आपका टेम्परेचर आ जाता है. दे आर यूजिंग सेंसर्स. बेसिकली पायरोमीटर्स में सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो आपके बॉडी का टेम्परेचर आपकी हीट वेव से ले लेते हैं. जो भी आप हीट वेव्स छोड़ रहे होगे उसको सेंस करता है वो, और जो सेंसर्स है वो नोट करवाते हैं कि इतना टेम्परेचर है इस पर्सन की बॉडी का. ठीक है, और आपके पायरोमीटर में लिखा जाता है कि ठीक है इट इज़ अराउंड 37-38 जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. तो हम पायरोमीटर्स यूज कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, सो दैट कुछ भी टच ना हो. एंड देयर आर लॉट ऑफ थर्मोमीटर्स, बहुत सारे हैं. अभी तो हमने सिर्फ दो की बात करी जो मेन था इस क्लास के हिसाब से, क्लिनिकल एंड योर लैब वाला थर्मोमीटर. बट वी डू हैव अ लॉट ऑफ मर्क्यूरी का तो आप सबको पता है, अल्कोहल इन ग्लास, कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर मैंने काफ़ी यूज़ करा है. दैट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करा जाता है एंड उसमें प्लैटिनम होता है. एंड थर्मोकपल थर्मोमीटर्स भी हीट से रिलेटेड है. तो देयर आर ऑल द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स इन द वर्ल्ड, जितने भी हम लैब में यूज़ करते हैं मोस्टली लैब वाले ही. ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो क्लिनिकल वाला है आपका. एंड यस, पायरोमीटर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ट्रांसफर ऑफ हीट, अब हम थर्मोमीटर से जा रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो कि आपका ट्रांसफर ऑफ हीट. नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट बेसिकली. ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब बेसिकली होता क्या है, यू ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट देन आई एम सेइंग इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो हीट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा प्लीज रिमेंबर दिस. सपोज ये है हॉट बॉडी और ये है आपका सराउंडिंग्स. ठीक है, दिस इज योर सराउंडिंग्स जो कि अभी विंटर सीजन चल रहा है मान लेते हैं, तो टेम्परेचर इज अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड दिस गरम चाय, लेट्स से इट्स अ हॉट टी एंड उसका टेम्परेचर है अराउंड 30-35 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो दिस इज समथिंग हॉट एंड दिस इज समथिंग कोल्ड. This is something hot and this is something cold. You tell me temperature कहाँ से कहाँ transfer होगा. This is body number one, this is body number two. Surroundings को हम body number two बोल रहे हैं. ठीक है, this is body number two and this is body number one. You tell me आपका जो heat है वो कहाँ से कहाँ जाएगा. Think about it. Temperature हमेशा आपका कहाँ जाएगा, hot से cold की तरफ. हमेशा temperature आपका hot से कोल्ड के तरफ जाता है.
तो ये हमें कॉन्क्लूड करवा रहा है कि टेम्परेचर हमेशा आपका हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ आपका हॉटनेस जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, वो तब तक जाती रहेगी, तब तक जाती रहेगी, तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। इट्स लाइक दिस, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है कप का और मेरे आसपास ऑब्वियसली रूम का टेम्परेचर चाय से तो कम ही होगा, चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो। ठीक है, तो मान लो टेम्परेचर इतना गैप है या मे बी इतना गैप हो सकता है उनके टेम्परेचर का, ये 25 डिग्री है, ये हो सकता है आपका 30 डिग्री में भी, ठीक है, सॉरी ये होगा 35 और मे बी ये 27 है, ज्यादा गैप नहीं है, मे बी ये 1 डिग्री सेल्सियस है और ये 35 डिग्री सेल्सियस, तब तो गैप बढ़ गया। ठीक है, अब मान लेते कि क्या पता आपकी चाय का कप का ये टेम्परेचर है और बाहर टेम्परेचर ये है, क्या पता चाय का कप का ये टेम्परेचर है बट समर सीजन चल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हमेशा टेम्परेचर जो आपका हीट है ट्रैवल, तो हमेशा वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में ही जाएगा, हमेशा यही होगा, बट यस डिफरेंस कम हो सकता है उनके बीच में, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस काफी कम है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गैप है, राइट। सो विंटर सीजन में आपकी चाय काफी जल्दी ठंडी हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर का गैप बहुत ज्यादा है और तब तक हीट बढ़ जाती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। आप अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछो कि मैम कब तक हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ टेम्परेचर, सॉरी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हीट जाएगी, कब तक जाएगी मैम, तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो हॉट हीट देता रहेगा कोल्ड रीजन को और जब तक कि वो इक्वल नहीं हो जाता, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जब तक टेम्परेचर दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, सो यस ये आपका कि हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ही आपका हीट ट्रांसफर होगा। सो यस लाइक आई वाज सेइंग कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम टेम्परेचर देन द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स, ठीक है, तब वो हीट रुक जाएगी जाना, एंड दिस मीन्स दैट नो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम। अगर ये दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तब तो कोई भी नहीं देगा, तब क्यों देगा कोई जब दोनों का टेम्परेचर सेम है, राइट, ओके, सो तब आपकी चाय इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, बट क्योंकि हमेशा आपकी चाय का कप, आपका चाय या कॉफी या मिल्क का जो हीट है उसका टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग से टेम्परेचर से हमेशा डिफरेंट होगा ही होगा, कि जो अब हम यहाँ उबल तो रहे नहीं है, है ना, बट आपकी चाय काफी गर्म है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी चाय का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम हो, है ना, हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस होगा, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक है, तो यस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम टेम्परेचर देन द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स, ठीक है, ओके, लाइक जैसे कि मैं कह ही रही थी चाय का कप है आपका यहाँ पर, दिस इज अ हॉट बॉडी एंड इट विल गिव इट्स हीट टू द सराउंडिंग्स, ठीक है, और वो तब तक देती रहेगी जब तक कि वो दोनों बराबर नहीं हो जाते, बट तब तक आप चाय पी लेते, ठीक है, ओके, सो ठीक है, दिस इज 80 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस जो कि एक्चुअल टेम्परेचर होते हैं उनके, तो हमेशा क्या होगी, हीट यहाँ आ जाएगी बाहर को, तभी आपका चाय का कप ठंडा होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देयर थ्री वेज थ्रू विच द हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे जाएगी, बट हमें मोड्स नहीं पता, दीज आर द मोड्स, किन किन तरीकों से जा सकती है हीट आपकी। ठीक है, नंबर वन इज योर by conduction, in solid heat is transferred by the conduction, conduction is a form in which heat is transferred in the solid, this is for only solids, remember the states, this is only for your solid, and when I talk about convection this is for liquid and gas and radiations I'll tell you, okay, let's talk about सबसे पहले mode हम बात करते हैं conduction की, as you can see on my screen, conduction से हम directly उसे heat कर रहे हैं, if I say this is a pencil or something wood का कोई piece है and I have this lighter, ठीक है, so what I am doing is मैं इसको directly heat करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसे directly heat करने की कोशिश कर रही हूँ and अगर ये candle है और अगर ये wood का piece है तो मैं उसे सीधे आग में ले जा रही हूँ और उसे गर्म कर रही हूँ, सीधे गर्म कर रही हूँ, that means this is a direct
heating process. Okay, so the mode of transfer of heat from a hotter part of the material to its colder part, or from the hot material to a cold material, basically with contact. Now you're doing the direct contact. अब direct contact में लेके आ रहे हो उस चीज को, ठीक है? So without the movement of material as a whole is known as a conduction. You're not moving it, कहीं कुछ move नहीं हो रहा, आप directly उसे डाल रहे हो और उसे directly contact के साथ उसे heat कर रहे हो. That is known as conduction. That mode is known as conduction. Okay? चलिए, सेकेंड मोड इज योर कन्वेक्शन, द मोड ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल हीट जाते हैं. द मोड ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट, ऑब्वियसली हॉटर से कोल्डर ही जाएगा, हमेशा ही हॉटर से कोल्डर जाएगा. बट हाउ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दें, लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए, आपके लिए, ठीक है? सो यस, तो रिमेंबर दिस कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन द लिक्विड्स एंड गैसेस. इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस कैन मूव फ्रीली. ऐसा क्यों है कि लिक्विड्स और गैसेस में ही है कन्वेक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वेक्शन होता क्या है. आपने पानी गर्म करा होगा कभी ना कभी, राइट? आपने देखा होगा जो नीचे के पार्टिकल्स हैं पानी के, जो नीचे की लेयर है वो गर्म होगी सबसे पहले, क्योंकि वो डायरेक्ट थोड़े से जो आपका सबसे लोअर लेयर है पानी का, वो सबसे क्लोज है आपके गैस या कुछ भी, जो भी आप हीट कर रहे हो उनकी जो वेव्स है, हीट की वेव्स नीचे से निकल रही है, सबसे क्लोज आपका वाटर की लास्ट वाली लेयर है, सबसे क्लोजेस्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट है, अब ऊपर वालों पे हीट बाद में आएगी, पहले नीचे वाले जल्दी आपकी गर्म हो रही है, जो नीचे की लेयर है पानी की वो पहले गर्म हो रही है और जो ऊपर वाली लेयर है वो बाद में गर्म होगी, राइट? तो होता क्या है कन्वेक्शन में, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट जाती है और पहले लोअर वाला आपका हीट हो जाता है, वो पूरा हीटअप हो जाता है. एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो उबलने लगता है तो वो लाइट होने लग जाती है, वो लेयर जैसी गर्म होती है कोई चीज़, वो लाइट होने लग जाती है. आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसी उसको गर्मी मिलेगी वो गर्म होने लग जाएगा एंड वो लाइट होने लग जाएगा, और जैसे ही वो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना कि नीचे की तरफ. Everybody knows that जितना डेंस चीज होती है वो नीचे जाती है और जितना लाइट होता है वो उतना ऊपर जाता है, राइट? ओके, तो जैसे ही नीचे की लेयर गर्म होने लगती है वो ऊपर जाने लगती है, ठीक है? एंड जो ऊपर की लेयर है वो फिर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही वो लेयर्स गर्म होती है और वो बॉयल होता है थ्रू आउट, पूरे कॉम्पोजिशन में बॉइलिंग शुरू हो जाती है. नीचे की लेयर ऊपर गई, फिर ऊपर की नीचे आई, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके वो पूरा पानी गर्म होना चालू हो जाता है. सो बाय कन्वेक्शन, वाई ऐसे ओनली फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, बिकॉज लिक्विड्स एंड गैसेस में ही पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, ठीक है? सिर्फ लिक्विड्स एंड गैसेस में दे आर अलाउड टू मूव. ओके, सो इन लिक्विड्स एंड गैसेस कन्वेक्शन मोड इज एप्लीकेबल, बट नॉट इन सॉलिड. सॉलिड में कंडक्शन में डायरेक्टली आप हीट कर सकते हो, बट सॉलिड के पार्टिकल्स में इतनी स्पेस होती ही नहीं कि वो ऊपर नीचे करे, ठीक है? दिस इज योर कन्वेक्शन मेथड, पार्टिकल टू पार्टिकल. नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज योर रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है कि रेडिएशन आपने देखी होंगी, आपकी सन की रेज आती है, राइट? आपकी सन की रेज आती है, किस फॉर्म में आती है हमारे पास? रेडिएशन फॉर्म में. हमें गर्मी फील होती है, राइट? हमें यहाँ पर भी तो गर्मी फील होती है, तो किस फॉर्म में होता है? रेडिएशन फॉर्म में. अनदर एग्जाम्पल इज योर माइक्रोवेव. जब आप खाना गर्म करते हो माइक्रोवेव में, और उसमें रेडिएशन कौन सी होती है? माइक्रोवेव रेडिएशन. वो भी कैसे गर्म करती है? रेडिएशन फॉर्म में, ठीक है? जो आपको दिखती नहीं. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर रेडिएशन. द थर्ड फॉर्म इज योर रेडिएशन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट टू कोल्ड ऑफ कोर्स, बट द हीट रेज विदाउट एनी मटीरियल मीडियम. इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता. जैसे कि आपकी सन की रेज आ रही है बाहर से, उन्हें कोई मीडियम थोड़ी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो अपने आप आ रही है, ठीक है? तो दिस इज द सन की जो रेडिएशन है अर्थ तक आ रही है, दैट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. कुछ ऐसे जैसे कि आप आग लगाते हो, तो आपने लकड़ी गर्म करी डायरेक्टली, दैट इज कंडक्शन, ठीक है? अगर आप बोलो कि कोई गैस है आसपास और पार्टिकल टू पार्टिकल वो गर्म हो रही है, दैट इज कन्वेक्शन. और यस हाँ, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पर मैंने कुछ गर्म करने के लिए रखा हुआ है और उसमें पानी है,
पानी जो बॉइल हो रहा है दैट इज इन कन्वेक्शन फॉर्म, दैट इज इन कन्वेक्शन फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका रेडिएशन जो है वो बाहर निकल रही है यहाँ पर, ये जो आपको गर्मी फील नहीं होती आपके फेस पे या आपके हाथ जब आप हाथ सेकते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो बिना मीडियम के आपके हाथ तक पहुंच रही है, दैट इज रेडिएशन, ठीक है। एंड जो आपका कंडक्शन है, जो वुड आपका बर्न हो रहा है वो कंडक्शन फॉर्म में बर्न हो रहा है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ मानू मैं कुछ गर्म कर रही हूँ पानी, ठीक है, तो जो गर्म हो रहा है लाइक आई सेड कि जो नीचे की लेयर है वो ऊपर आएगी गर्म होते ही, और जो ऊपर की ठंडी लेयर थी पानी की वो नीचे आएगी गर्म होने, ठीक है। तो दैट इज गोइंग पार्टिकल टू पार्टिकल एंड दैट मोड इज नोन एज कन्वेक्शन, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट वुड जिसे बर्न हो रही है डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हीट से, दैट इज नोन एज कंडक्शन। एंड जो आपको गर्मी फील होती है, आग लगी हुई अगर हो आसपास और आपको जो गर्मी फील होती है आपकी बॉडी में, दैट इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है, उसको हम रेडिएशन फॉर्म में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से हीट निकल रही है आपके हाथ तक जा रही, दैट इज रेडिएशन, ठीक है। पानी बॉयल हो रहा है, दैट इज कन्वेक्शन, ठीक है। सीधे गर्म हो रहा, अगर सीधे आपको टच करके कोई चीज गर्म लग रही है, दैट इज कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। लास्ट टॉपिक इज योर क्लोथ्स, लास्ट टॉपिक इज योर क्लोथ्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जब आप गर्मियों में बोलते हो मेरे कॉटन क्लोथ्स पहने हैं, या मेरे को लाइट कलर ज़्यादा पसंद है समर्स में, या विंटर सीजन में हम डार्क कलर्स के क्यों क्लोथ पहनते हैं, और अगर गर्मियों में हम डार्क कलर पहन लें तो बहुत गर्मी लगती है। ओके, सो ड्यूरिंग हॉट समर डेज पीपल प्रिफर टू वेयर वाइट क्लोथ्स या लाइट कलर क्लोथ्स, वाई, बिकॉज वो कम एब्जॉर्ब करते हैं आपकी हीट को सन से, ठीक है। और जो आपके डार्क कलर वाले होते हो काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी आपकी बॉडी को गर्मी लगेगी समर सीजन में। अगर मैं बात करूँ विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में क्या होता है, हम वुलन क्लोथ्स बहुत यूज़ करते हैं, दीज आर कॉटन, गर्मियों में कॉटन यूज़ करते हैं और सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। लाइक फाइबर टू फैब्रिक में हमने सीखा था कि वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स आपके एनिमल्स और हमें भी क्या करते हैं, वो हमें एक्चुअली बचाते हैं ठंडियों से। अब आपकी बॉडी का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर हो गए, हम नहीं चाहते कि हॉट रीजन से और बाहर जो ठंडा टेम्परेचर हो रखा है आपकी बॉडी से टेम्परेचर बाहर जाए, कि आपको ठंडी तो लगेगी, अगर आपकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर जाएगी तो आपको ठंड लगने लग जाएगी, दैट मीन्स आपको कोल्ड हो गया, ठीक है। ओके, वी डोंट वॉन्ट दैट, कोल्ड इज डिफरेंट, आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर जाएगा तो आपकी बॉडी भी ठंडी होने लग जाती है, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट कि हमें ठंडा लगे, ठीक है। सो वट वी कैन डू इज हम एक इंसुलेटर पहन सकते हैं जो हीट को बाहर जाने ना दे, हमारी बॉडी से हीट बाहर जाए ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब हीट बाहर नहीं जाएगी तो हम वार्म रहेंगे। तो ये होता तभी है जब आप वुलन क्लोथ्स या ग्लव्स पहनते हो, तो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसको बाहर जाने नहीं देते, दे एक्ट लाइक अ ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं आपकी बॉडी की हीट को अंदर ही, और वो बाहर नहीं जाने देते, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको घर बैठे बैठे ये सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, जितनी बार भी आप कोर्सेज देख सकते हो, अगर आपको एक बार नहीं समझ आया तो आप दूसरी बार भी देख सकते हो, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स होते हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि डाउट कब क्लियर करूँ कब नहीं करूँ, एग्जॉस्टिव कवरेज है सिलेबस का, यू कैन कवर ऑल द सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर नहीं छोड़ा गया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, एंड मेंटोरशिप गाइडेंस दी जाती है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज है, एंड बैच कोर्सेज है, सब कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। आपको प्राइसिंग यहाँ दिख सकती है, 3 months, 6 months, 12 months, कितने भी महीने का आप ले सकते हो, बेस्ट इज 12 and 18 months फॉर मी, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, नो कॉस्ट EMI है, फुल बिना टेंशन के आप दे सकते हो पैसे, ठीक है। एंड लाइक यू सी पर मंथ काफ़ी कम है, अगर मैं इसका देखूँ एक साल का तो सिर्फ 1250 है पर मंथ, राइट, और वो भी घर के कम्फर्ट से, ठीक है। सो एंड ऑल्सो एक और बात, आप 10% ऑफ लगा सकते हो फटाफट, मेरा कोड यूज कर सकते, मेरा कोड यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर अप्लाई करना है, यू कैन यूज माई कोड फॉर 10% ऑफ, दैट इज SM Rana, जो कि यहाँ पर लगा रखा है,
यू विल इंस्टेंटली गेट 10% ऑफ, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर आपको 10% ऑफ फटाफट लग जाएगा। आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में प्लस के बेनिफिट्स तो आते आते साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको, आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हो, जो भी आपको स्टडी प्लानिंग चाहिए, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, कितना देख रहे हो, पेरेंट्स का कनेक्शन रहेगा, वीकली आपको रिपोर्ट्स दी जाती हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, इट इज़ मच मोर देन प्लस। प्लस के बेनिफिट्स के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं सारे आइकॉनिक में, ठीक है, इसके प्राइसेस आपको सामने दिख रहे हैं एंड ऑल्सो इसमें भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम द चैनल एंड थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स क्रैक इट विद अन अकैडमी। बाय बाय एवरीवन।